अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैल्यू मेडिटेशन। इस वैल्यू मेडिटेशन में 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्व आवर माइंड। मन जो अलग अलग प्रकार के हैं करना है, जैसे नदी का पानी बह रहा है, पानी गंदा है कि पानी अच्छा है, उसको कुछ ध्यान नहीं रखना है। केवल कल्पना करो एक नदी के किनारे बैठे हो, सुंदर वातावरण है, सुबह सुबह प्रातःकालीन समय है, सूरज अभी उगा नहीं है, अरुणिमा के द्वारा अंधकार मिट गया है, सात्विक वातावरण, हल्का हल्का पवन बह रहा है, शीतल मंद वायु समीरण बह रहा है। शब्दों को ध्यान रखो। सामने एक सुंदर पहाड़ है, कोई कश्मीर की घाटी हो या सिद्धवाड़ी का धौलाधार पहाड़ हो या उत्तरकाशी गंगोत्री का गंगा के सामने सुदृढ़ दंडायमान हिमालय पर्वत हो, किनारे नदी बह रही है और तुम बैठे हो और तुम बड़े गौर से निरीक्षण कर रहे हो, देख रहे हो कि पानी बह रहा है, कभी स्वच्छ पानी उसके साथ कभी गंदा, कभी डाली, कभी पत्ते, मगर तुम अपना कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, भेद नहीं कर रहे हो। इसी प्रकार अपने मन के अंदर अनेक बहाव, अनेक मूल्य, अनेक गुण, अनेक थॉट्स, इमोशंस बह रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व, जस्ट देखो, कॉन्शियस अवेयर बनो। अब हम सेकंड स्टेप में जा रहे हैं, डिवाइड द थॉट्स। अब एक काम कर रहे हैं, वो है दो प्रकार के जो वृत्तियां हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वर्च्यू एंड वाइसेस, शुभ अशुभ, ऑस्पिशियस अनऑस्पिशियस, शुभ अशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहंती वासना सरित, योग वशिष्ठ में है। वासना रूपक सरिता नदी में दो प्रकार, शुभ और अशुभ मार्ग में ये थॉट्स बह रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट करके, अलग अलग बना करके, ए ग्रुप में अच्छे गुण, बी ग्रुप में बुरे गुण। अच्छे गुण सिर्फ कम होते हैं, युधिष्ठिर मन के स्थिर, भीम स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथ, अर्जुन सरलता, नकुल सिंगल पॉइंटेडनेस, सहदेव गुड कंपनी। जो वाइसेस है वो खराब गुण अनेक हैं, वो हम अलग अलग कर रहे हैं।
अब थर्ड स्टेप है डिलीट दी नेगेटिव थॉट्स। जैसे हम अपने डिवाइस से स्टोरेज फुल हो जाता है, क्लाउड फुल हो जाता है, वी डिलीट सम वीडियोस, मैसेजेस, ईमेल्स, हमारे मन रूपक डिवाइस से दुर्गुण को डिलीट करो। ये थर्ड स्टेप है, इसमें हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। कैसे? लेजीनेस नहीं होना। इस शरीर को हमेशा ही सतेज बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा यदि कुछ ज़्यादा खा लिया, शरीर के अंदर लेजीनेस आता है, पेट गुड़गुड़ा हो जाता है, चाय पी लिया, मिठाई खा लिया, कुछ अचार ज़्यादा ले लिया, एसिडिटी हो जाता है। ये शरीर को एक माजूम है, ये बहुत नाजुक है, उसको ठीक रखना है। शरीर के साथ मन कनेक्शन है, शरीर अगर ठीक नहीं रहता तो मन खराब हो जाता है। और मन को ठीक रखने के लिए व्यवहार ठीक रखना पड़ता है। किसी के साथ झगड़ा कर दिया, मन के अंदर वही चलता रहेगा। किसी ने कुछ बोल दिया, मन के अंदर वही चलेगा। तो मन बहुत नाजुक है। नेगेटिव अलाउ नहीं करना है। थर्ड स्टेप है अलर्ट रह करके नेगेटिव को निकालना है। फोर्थ है इनकल्केट पॉजिटिव थॉट्स। याद रखना है एक एक करके। फर्स्ट है ऑब्जर्व, सेकेंड है डिवाइड, थर्ड है डिलीट द नेगेटिव थॉट्स, फोर्थ है एक्यूमुलेट, इनकल्केट, एड पॉजिटिव थॉट्स। जैसे हमारे डिवाइस में हम किसी का नंबर डिवाइस करते हो, अब तुम्हें जब नंबर मिलेगा सबके डिवाइस में पता चलेगा कि एक नंबर आया हुआ है, वो मेरा है, तो आप देखोगे वो स्वामी जी का है, तो उसमें आपको ऐड करना है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उसको ऐड करो। पंचुअलिटी बनो, अलर्ट बनो, डिसिप्लिन बनो, माइंड को काम एंड क्वाइट रखो, यही अच्छे गुण ऐड करना है। ये फोर्थ है। फिफ्थ है ऑल पुट टुगेदर मेक वन एंड दैट इज यू, दैट इज योर पर्सनालिटी। अच्छे अच्छे गुणों को संग्रहित करो, कॉन्ग्रीगेशन करो एंड मेक योर पर्सनालिटी। यू आर द मेकर ऑफ योर पर्सनालिटी। तुम ही तुम्हारे व्यक्तित्व को गठन करते हो। यू आर द मेकर ऑफ, यू आर द डेस्टिनी ऑफ योर पर्सनालिटी। तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारे जीवन को तुम ही गठन करते हो। यू आर द आर्किटेक्ट, यू आर द कंट्रैक्टर, यू आर द बिल्डर ऑफ योर लाइफ, यू आर द बिल्डर ऑफ योर पर्सनालिटी। फिफ्थ है ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज को इकट्ठा करो, वो ही तुम्हारा व्यक्तित्व है, वो ही तुम्हारा गैंग है। नेगेटिव गैंग नहीं, आर्मी है। मनोबुद्धि चित्त अहंकार में जो अहंकार है वो कमांडर है और बाकी सब प्लैटून है, सोल्जियर्स है। अच्छे अच्छे गुणों को रखो। पांचवा हुआ, छठा है ये अच्छे गुण भी कभी धोखा देते हैं। ये अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है अच्छे गुण कभी लेकर के। मैंने 75 डेज पढ़ा, मैं मंत्र जानता हूँ, मैं मेडिटेशन जानता हूँ, मैं स्तोत्र जानता हूँ, भजन जानता हूँ,
मैंने एक नियम बनाया, ये भी एक अहंकार है, उसको छठा पॉइंट में डेडिकेट टू लॉर्ड, समर्पण करो, सरेंडर टू लॉर्ड, डेडिकेट द ऑल्टर ऑफ डेडिकेशन, छठा है। इसका अर्थ है अपने आप को समर्पण करो। वन फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्व, सेकंड है डिवाइड डिवीजन, थर्ड है डिलीट द नेगेटिव, फोर्थ है इनकॉल्केट पॉजिटिव, फिफ्थ है कॉन्ग्रीगेट ऑल पॉजिटिव, मेक यू योर सेल्फ, सिक्स्थ है डेडिकेट सरेंडर टू लॉर्ड। ये है वैल्यू मेडिटेशन। जब ऐसे साधक करता रहेगा वो ही वेदांतिक मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन के अधिकारी बनता है। क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। वेदांतिक में अनेक प्रक्रिया हैं, आज एक ही प्रक्रिया देखेंगे, वो है पंचकोश विवेक। अन्न में शरीर को, ये बॉडी स्थूल शरीर ग्रॉस बॉडी, वो मैं नहीं हूं। प्राणमय शरीर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये प्राण है वो भी मैं नहीं हूं। मेरे सांसें अटक रही है, मेरी सांसें चल रही है, जिसको हम मेरा कहा ना वो मैं नहीं हो सकता। मेरा घर मैं नहीं हूं, मेरा कलम मैं नहीं हूं, मेरा वस्त्र मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मैं नहीं हूं, अन्नमय कोष में नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, प्राणमय कोष नहीं हूं, आई एम नॉट द प्राण, मनोमय कोष में आई एम नॉट द माइंड, विज्ञानमय कोष आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आनंदमय कोष कॉजल बॉडी कारण शरीर भी मैं नहीं हूं, फिर मैं है कौन? शुद्ध बुद्ध आत्मा चैतन्य हूं। असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम पुनः पुनः, सच्चिदानंद रूपो हम, अहमेव हम अव्ययः, नित्यो हम निरवद्योहम, निराकारो हमव्ययः, भूमानन्दस्वरूपोहम, अहमेव हमव्ययः, मनोबुद्ध्यङ्कार चित्तानिना न च श्रोत्रजीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हाथ जोड़ दे जोर से, फिर से आंख में प्रेस करें हथेली से, सेकंड टाइम प्रेस, थर्ड टाइम प्रेस, एंड धीरे धीरे आंख को मलते दे अंगुलियों से निकाल। मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, अजर अमर आत्मा। एक सुंदर भजन है, पहले सुन लेना, उसके बाद
पहले सुना पूरा टोटल तब गा पाओगे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन गुणों से मैं भी न्यारा, मैं ही साक्ष स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ पूर्ण स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज मेरा, अग्नि में भी ओझ मेरा, मैं हूँ अद्वित रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। गाओगे बाद में? मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, अनुभव से धवनूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन गुणों से मैं भी न्यारा, मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है,
सत चित आनंद स्वरूप कोई जाने सूर्य चंद्र में देते मेरा अग्नि में भी ओज मेरा मैं अद्भुत स्वरूप कोई जाने मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की चिन्मय प्लेस जैसे मंत्र हम रोज करते हैं एक होता है भजन कीर्तन कहते हैं एक होता है भजन एक होता है कीर्तन और एक होता है संकीर्तन कीर्तन में संकीर्तन में भजन में कोई एक गाएगा एक गाता है बाकी सुनते वो है भजन भजन सम्राट जैसे अनुप जलोटा गाया है जगजीत सिंह गाया और हम लोग सुन के आनंद लेते हैं कीर्तन में एक जो मेन लीड है वो भी गाता है दूसरा भी और संकीर्तन में सब साथ गाते हैं संकीर्तन में नाचने की भी विधि है जब ऐसे कोई गीत होता है अब जैसे पंजाब के भांगड़ा है वो ऐसे लगे तो पैर अपने आप आएगा ही है ना गाने का नाचने का अपने आप वैसे ही है वो भांगड़ा के जो विदेशी लोग भी फिल्म में लुंगी डांस विदेशी लोग भी लुंगी डांस करने लगे तो वो जो कीर्तन होता है ना उसमें मन उछलता है शरीर भी उछलता है ठीक संकीर्तन में कीर्तन थोड़ा सा नीचे नीचे का अर्थ यह है मैं कह रहा हूं अंतर भजन एक गाता है दूसरा आनंद लेता है मगर जो जप है वो पूरा अकेला अपना है और वो जप भी चार प्रकार है उच्च जप ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ये उच्च जप परस्मृति गोचर मंद जप ऊंट हिलता है अपने इष्ट का ऊंट हिलता है चित्त जप मन में होता है चित्ते जायते और एक कबीरदास जी ने जोड़ा अजपा जप भगवान बुद्ध देव ने भी अनासती पाई दी अर्थात ये अपने आप चलता है इसी प्रकार ये जो चिन्मय प्लेज है ये कलेक्टिव है संकीर्तन जैसा संकीर्तन में आनंद आता है सब एक साथ गाकर चिन्मय प्लेज भी ऐसे एक साथ
जब चैंटिंग करते हैं, एक मास प्रेयर का एक अपना प्रभाव है। एक मास प्रेयर का अपने एक वाइब्रेशन है। तुम देखना, सपोज जब हम भी कहीं कैंप लेते हैं उत्तरकाशी आदि, तो जब डेलीगेट्स को लेकर जाते हैं गंगोत्री घूमने के लिए, कहीं बैठते हैं तो बोलते हैं चलो चैंटिंग करते हैं। जैसे भी तुम गायत्री मंत्र करते हो, तो वो जब सुनता है कोई दूसरा, उसका एक वाइब्रेशन लगेगा। चिन्मय प्लेज में भी यही ताकत है। यू आर इंस्पायर्ड थ्रू दिस ट्रेनिंग, नाउ यू हैव टू इंस्पायर अदर्स। स्वामी जी मैं क्या कर सकता हूँ, इन मैं क्या कर सकता हूँ इसको हटाओ, वो दरिद्र मंत्र है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये धनी मंत्र है। गरीब दरिद्र मंत्र हटा दो, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो तुम्हारे घर में छोटे भाई बहन पड़ोस के सबको बुला, बस तुम्हारे लिए एक नोट है। कुछ नहीं तो उनको वही सिखाओगे, चलो गायत्री मंत्र करते हैं, चलो ओम सिखाऊंगा, ये चिन्मय प्लेस सिखाऊंगा। फिर उनको बताओगे भी, हिंदी में भी बताओगे, इसका हिंदी ट्रांसलेशन ले लेना, तो वी स्टैंड एज ए वन फैमिली। फैमिली का अपने एक ताकत है। एक वृद्ध व्यक्ति मरते समय चार बेटे को बुलाया, बड़े द्वितीय मझले छोटे। कल जैसे मैंने कहा था घर में 28 मेंबर्स में से वो दादाजी का सम्मान क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने त्याग किया। तो वृद्ध व्यक्ति को सुंदर उपदेश दिया, उन्होंने क्या किया था, ये जो लकड़ी है ना, एक लकड़ी लगभग 10-12 लकड़ी छोटा छोटा दातुन जैसा, दातुन समझ रहे हो, उसको बांध कर रखा था 10-12, और कहा एक सब बंडल बड़े को बुलाया, सामने ही थे वो लोग, इसको बिना खोले ऐसे ही तोड़ो। उसने पकड़ा, टूटना एकदम बंधा हुआ है, बहुत अच्छे से बंधा हुआ है। बड़ा ने मना किया, मझरे ने कहा कि पिताजी बड़े भैया रेसलर है, वो नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता, करो छुओ तभी पता चलेगा जी। थर्ड वाला, फोर्थ वाला, नहीं होगा पिताजी, क्यों आप जबरदस्त कर रहे हैं, करो तभी पता चलेगा कि नहीं कर पाओगे। फिर दूसरे टेबल पर था अलग अलग लकड़ी, छोटे गले नहीं कर पाओगे ना, रो रहे थे, हाँ एक को पकड़ो, हाँ करो, हो गया ना, हाँ करो, सेकंड थर्ड को बुलाया, टूट गया, एक है, फोर्थ को बोलो, सेकंड को, फर्स्ट क्या सीखा। तो सबने कहा पिताजी जब साथ में रहते हैं कोई तोड़ नहीं सकता,
जब अलग अलग रहते हैं तोड़ सकते हैं। बस बेटा मैं तो चला जाऊंगा, कभी भी तुम लोग अलग अलग मत होना, साथ में रहना, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बड़े को कहा, बड़े तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको प्यार देना है, तुमको साथ में रखना है। कितना सुंदर है ना, वी स्टैंड एज बस इकट्ठा जब रहेंगे। आज हम भारतवर्ष के क्यों हालत हो गई, अखंड भारत था, अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश, ये भारत से टूटा फूटा, क्यों अलग अलग हो गए। जीना के अंदर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, और नेहरू है, गांधी के प्रिय थे, और गांधी ने क्या किया, गांधी जी ने चलो इसको भी खुश करो, इसको भी खुश करो। फिर उसके बाद वो लोग आपस में लड़ते गए, फिर बांग्लादेश भी बन गया। अब देखो खालिस्तान के चक्कर में है ना, क्यों, क्योंकि इकट्ठा नहीं रह पाते हैं। इसलिए कहते हैं वी स्टैंड एज वन फैमिली बाउंड टू लव एंड रेस्पेक्ट, ये फिर बाउंड टू ईच अदर विथ लव एंड रेस्पेक्ट, ईच अदर सब। हम क्या करते हैं, दूसरा प्यार करें, कोई कल बोल रहा स्वामी जी मुझे कोई प्यार नहीं करता है, एक बड़ा मैच्योरिटी के दृष्टि से कहता है, क्या कौन कहता है प्यार नहीं करता है, प्यार करते हैं मगर हम कम बात करते हैं। तो हम कहते हैं देखो बाबा फिर बातों में कंजूस क्यों है, तुम दुनिया में देख क्या सकते हो, बात तो करो प्यार से। मैं मेरी आदत नहीं है, मैं थोड़ा सा कम बात करता हूँ, अच्छी बात है, और जो चाह रहा है ठीक है, तुम अपनी दृष्टि से तुम्हारा जो पर्सनालिटी है गंभीर हो सकता है, मगर जो कोई चाह रहा है मांग रहा है तुम्हारे पास है ना, व्हाट यू हैव दैट ऑन यू कैन गिव, तुम अगर बात भी नहीं दे सकते हो इसका अर्थ तुम्हारे पास वो भी नहीं है, और वो नहीं है तो फिर धीरे धीरे सूख जाएगा, देते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्यार का, ज्ञान का, संपत्ति, बाकी जो संपत्ति है ना, इवन बाहर का भी संपत्ति आप देते जाओगे तो आएगा, समझ में। एक ज्योतिष था, मेरे अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी है। एक ज्योतिष था, तीन बच्चे थे, अभी के चार बच्चे थे, अभी तीन बच्चे, एक काम कम कर देते, तीन बच्चे थे, 20 गाय थी। ज्योतिष मरने वाला था, बड़े को बुलाया, 10 गाय तुम्हारे लिए है, और ज्योतिष जानता है किसके भाग्य में किसका है। 9 गाय मझले को दे दिया और छोटे को बुलाया, छोटे जी पिताजी तुम्हारे भाग्य में मैंने देखा है सिर्फ एक ही गाय है, इसलिए मैं तुमको एक दे रहा हूँ, दुखी मत होना। अब प्रश्न है इस गाय को लेकर के तुम कितना पुरुषार्थ करते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। व्हाट वी हैव गॉट इज हिज गिफ्ट एंड हाउ वी फेस, हाउ वी डू विद दिस गिफ्ट इज आवर गिफ्ट टू हिम। क्या मिला हमें ये उनका गिफ्ट है, प्रेजेंटेशन है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे दे रहे हैं, वो हमारे समर्पण है। तुम्हें 75 दिन का यहाँ मिल रहा है, ये भगवान के गिफ्ट है, एंड हाउ यू हैंडल, हाउ यू लर्न, हाउ यू ट्रेन योर माइंड, हाउ यू गेन योर नॉलेज, इट इज योर गिफ्ट, इट इज योर पुरुषार्थ, इट इज योर फ्री विल। छोटा लड़का ने कहा ठीक है सुन लिया,
जानता है सब पिताजी इसे भाषण देते रहते हैं जैसे हम लोग तुमको देते हैं, है ना। तो सर ठीक है, उसने सोचा बड़े भाई के लिए 10 गायों के लिए जितना चारा आदि सब जरूरत है इकट्ठा करना, मजदूर रखना, मझले के भाई के लिए मेरे लिए भी वही करना पड़ेगा, क्या फायदा है, एक ही तो गाय दिया है, क्यों मजदूर रखूं, क्यों चारा को छोड़ दो जैसे जैसे हो रहे ना। तो गाय चल रही थी, सवेरे एक साधु बाबा आए, कहा कि कुछ दे दो। तो उसके माइंड में ये गाय अन्य से पिताजी मर गए गुजर गए, बोलने के लिए कोई है नहीं, गाय दे दिया, गाय दान दे दिया। जब गाय दान दे दिया, नेक्स्ट डे क्या हुआ, 2 गाय लेकर के एक आदमी आया और कहा कि तुम्हारा पिताजी 10 साल पहले कुछ धन दिया था, क्योंकि मेरी गाय, मैं किसान हूँ, मैं गोपालक हूँ, और मैंने कहा था धन के बदले मैं 2 गाय आपको दूंगा, दे नहीं पा रहा था, और मैंने सुना कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए, और ये भी सुना कि तुमको सिर्फ एक ही गाय मिली है, बाकी को 10, दूसरे को 9। तो मेरे दिल में आया तुमको दे दो, ये 2 गाय तुम रख लो। उसने सोचा कि ये गाय से मैं छुटकारा चाहता था, फिर गाय आया, ठीक है रहने दो। गाय अपने आप चल रहे थे, बांध दिया। दूसरे एक ब्राह्मण आया, कहा कि आप कुछ देंगे, मैं ले लो ये गाय। देखा कि बचपन में उसके कोई मामा जी है, उसने संकल्प किया था कि मेरे अंकल मुझे कुछ मदद किया था, इनको मैं 5 गाय दूँ। अब सुना कि छोटे बेटे के पास कुछ भी नहीं है, उसको 5 गाय लेके आए। इसने सोचा पिताजी ने कहा था तुम्हारे भाग्य में सिर्फ एक ही गाय है, इस एक ही गाय को तुम क्या करते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मैंने क्या किया, मैंने दान दिया, इसका अर्थ है जो मुझे मिला वो मैं दान देता हूँ, वो तो बढ़ता है, 1 से क्या बना 2, 2 से क्या बना 5। अब मैं रिजोल्यूशन पास करूँगा, अभी मैं प्लेस करूँगा, हर दिन मैं गाय देते रहूँगा। बस जब से उसने प्लेस कर लिया, रिजोल्यूशन कर लिया, ऐसे हुए लाख लाख गाय 1 साल में हो गया उसका। जीवन में अगर आप देते रहोगे तो आता रहेगा, नहीं दोगे, देखो नदी का पानी साफ है, मेडिटेशन में देख रहे थे ना, पानी बह रहा है, तुम देख रहे हो। कभी कभी अगर तुमको मौका मिल रहा है ना, मुझे पसंद आता है, मैं थोड़ा सा गांव जंगल जाता हूँ और वहाँ बैठता हूँ। अभी तुम्हें कभी तालाब में नदी में मिलेगा, थोड़ा 5 मिनट के लिए ठहर ठहरो। हम लोग क्या करते हैं, ये पिक्चर फोटो के बहाने समय नष्ट कर देते हैं, सेल्फी ठीक है, आनंद लो, पानी बह रहा है, सूरज उग रहा है, हवा बह रही है, पेड़ हिल रहे हैं, प्रकृति के साथ जोड़ो। तो नदी साफ क्यों रहती है, क्योंकि वो बह रही है, दे रही है। तालाब गंदा क्यों रहता है जब तक साफ नहीं करोगे, क्योंकि वो पानी स्टक है, जहां स्टक है दूसरे को नहीं दोगे गंदा होगा। बाउंड टू ईच अदर, लव एंड रेस्पेक्ट, वी सर्व एज एन आर्मी, आर्मी डिसिप्लिन है, करेजियस है, एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल लो टेंडेंसीज फॉल्स वैल्यूज। एवर रेडी का अर्थ है कभी भी नहीं सोचना चाहिए कल से हम करेंगे। स्वामी जी मैंने तय किया है अब ये जो कोर्स खत्म हो जाएगा ना, घर जाएंगे ना, तब आप जो बोल रहे हो कि 1 वैल्यू नहीं बेटा, हियर एंड नाउ, अभी कल से करे जो आज, आज करे सो अब, फिर उसके बाद और जो आलसी होता है ना
वो कहेगा अब करे सो आज करे सो कल, ऐसे। इसलिए कहते क्या ऑन लो टेंडेंसीज, अभी अभी मैं करो, अभी के अभी, क्या साठा नाजरी है ना, अभी के अभी। वी लिव ऑनेस्टली द नोबल लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस एंड सर्विस। नोबल लाइफ तब हो सकता है जब हमारे अंदर एक अच्छा गुण हो कि मैं एक आदर्श जीवन जीना चाहता हूं। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू यू फॉल फॉर एवरीथिंग। तुम अगर एक ही गुण तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा तो तुम समस्त गुणों से आकर्षण से गिर जाओगे। गीता में इसलिए कहते हैं जो कर्मयोग नहीं करता है, जो यज्ञ नहीं करता है वो चोर है। अभी अभी तुम पढ़ रहे हो तृतीय अध्याय के 12 नंबर में, इष्टं भोगं हिवो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर्दत्ताने प्रदायेभ्यः भुङ्क्ते स्तेन एव सः। उस तेन है, वो चोर है, और जो ऐसे यज्ञ नहीं करता है उसका जीवन बेकार है, प्रथा है। प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट यू कंज्यूम। कभी भी ये नहीं समझना कि मैं अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करूंगा, कर ही नहीं सकता व्यक्ति इकट्ठा करोगे तो। एक जंगल के लकड़हार था, जंगल से लकड़ काट करके लेता था। एक दिन एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उनको कहा कि मेरी उन्नति कैसे मैं कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है कि मैं सिर्फ लकड़ी काट काट के जी रहा हूँ, कुछ और हो। साधु बाबा ने कहा कि आगे चलो, आगे चलो। साधु बाबा ने कहा था कि तुम जिस स्तर से हो उसे और आगे बढ़ो, उन्नति होगा। उसने सोचा कि हम मुझे कह रहे लकड़ी काट रहे, कुछ और करो, तो देखा कि चंदन की लकड़ी है। तो उसने चंदन की लकड़ी लेकर आया, काटा और बेचा तो पैसा ज़्यादा मिला। तो उसने कहा कि जरूर कहा है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। साधु ने मैं आगे बढ़ूँ, तो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया तो देखा कि कोयला है, बढ़िया है, हम क्यों चंदन के लकड़ी काटें, कोयला ही ले लें। तो कोयला बेचा, फिर ज़्यादा पैसा आया, फिर और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो देखा कि सोना है। फिर उसने सोचा कि और कहीं आगे बढ़ जाएगा, और कुछ ले लूँगा। अंदर घुस गया तो एक गुफा था, फंस गया, बाघ आया खा लिया। कहने का मतलब क्या है, मनुष्य के अंदर जो लोभ है ना, उन्होंने कहा था आगे बढ़ो का अर्थ है तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक में आगे बढ़ो। इसने द्रव्यों को लेकर के पकड़ा। इसलिए ये जीवन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब कुछ इकट्ठा करूंगा और प्राप्त कर लूंगा, नहीं होगा, नहीं। इकट्ठा करो मगर देते भी रहना। अब आगे सुनना, वी सीक द लॉर्ड्स ग्रेस टू कीप अस ऑन पाथ ऑफ वर्च्यू करेज एंड विजडम। हमें सीख कौन है, साधक। एक वृत्ति मन में रखना, देखो तुम पिता माता जी के दृष्टि से बेटे हो, बेटी हो, भाई के दृष्टि से बहन हो, बहन के दृष्टि से भाई हो, चाचा के दृष्टि से भतीजा हो, अंकल के दृष्टि से भतीजा हो, ये रिलेटिव्स अलग, टीचर के दृष्टि से स्टूडेंट हो, मगर तुम अपने आप में एक रखना, मैं साधक हूँ, भगवान के दृष्टि से मैं साधक हूँ, भगवान के कनेक्शन से मैं साधक हूँ, मैं सिंसियर साधक हूँ। बाकी ये भाई बहन पुत्र पुत्री ये बात का है, ये संचारी है, संचारी माने चेंजिंग है, मगर मेरे अंदर एक ही चेंज नहीं हो रहा है,
नहीं करना, मैं इन एंड थ्रू में वो मैं साधु। देखो सोना एक ही है, कंगन अलग, चेन अलग, नूपुर अलग, नूपुर कंगन चेन से अलग अलग से बन जाता है, मगर सोना परिवर्तन नहीं होता है। सोना ही कंगन बनता है, सोना ही चेन बनता है, सोना ही नूपुर बनता है। इसी प्रकार मैं एक साधक हूं। वी सीक लॉर्ड्स ग्रेस, ग्रेस माने कृपा। कृपा पांच प्रकार के, याद रखो कृपा कितने प्रकार के हैं? एक है भगवत सामान्य कृपा। भगवत सामान्य कृपा क्या है ना, भगवत सामान्य कृपा माने जिस भगवत सामान्य कृपा से शरीर मिला, भोजन मिल रहा है, पिताजी माताजी मिले, पिताजी माताजी मिलने के कारण शरीर मिला, शिक्षा मिली, ये सब भगवत सामान्य कृपा है। बिना भगवान के कृपा में, कहते ना भगवान के बिना पेड़ का पत्ता भी हिलता नहीं है। तो सामान्य कृपा को तुम अनुभव करो। अब एग्जांपल देखो, तुम यहां कोर्स कर रहे हो, अमृतसर में हो रहा है, इतना 75 डेज तुम्हारे लिए कितना खर्च हो रहा है, मगर अमृतसर सेंटर को क्या फायदा है? कुछ नहीं। यही उन्होंने दान किया, यज्ञ किया। ये उनके लिए सेवा है, उनका तुम लोगों के लिए सेवा है, तुम्हारे माध्यम से भगवान को सेवा करते हैं। वी सीक लॉर्ड्स ग्रेस, तो तुमको क्या सोचना है एज ए इंडिविजुअल कि ये भगवान की कृपा है मुझे मिली। चिन्मय मिशन ने किया, ये भगवान की कृपा है। सेकेंड है, ये एक स्पेशल भगवान की कृपा है तुम्हारे लिए। साधारण कृपा क्या है, तुम्हें खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। सेकेंड ये राइट है, तुम्हारे मिला है तभी तुम जीवन में मिला। ये कोई नहीं कह सकता मुझे तो भगवान की कृपा मिली नहीं, कोई नहीं कह सकता। जी कैसे रहे हो, सांसें ले रहे हो, शरीर है, खाना मिल रहा है, भगवान सामान्य कृपा। सेकंड है गुरु कृपा। गुरु अगर मिल गए तो जानना कि तुम्हारा जीवन धन्य है, गुरु कृपा है, गुरु कृपा है। थर्ड है शास्त्र कृपा। गुरु क्या करते हैं, तुम्हें इंस्पायर करते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए। फोर्थ है अंतःकरण कृपा, आत्म कृपा। खुद तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, खुद तुम्हारे अंदर अंतःकरण कृपा या आत्म कृपा। लास्ट है भगवत विशेष कृपा। सामान्य कृपा तो मिला हुआ है, मिली हुई है, अब हम भगवत विशेष कृपा चाहते हैं। क्यों? ओ लॉर्ड तुमको हम चाहते हैं दर्शन करना। वी सी द लॉर्ड्स ग्रेस टू कीप अस ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू करेज एंड विजडम। देखो भगवत की विशेष कृपा होगी तभी हम इसी मार्ग में परमानेंट जाएंगे। टू कीप अस अर्थात रहना, कीप अस ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू करेज एंड विजडम। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलावे हमें गुण साहस और ज्ञान के मार्ग पर। गुण माने धर्म, सेवा माने कर्मयोग, ज्ञान माने ज्ञान योग, यही साधना है। साधक कौन होता है? जिसके पास संपत्ति है साधना करने के,
तो हमेशा ये भगवान के कृपा को मांगना चाहिए, कुछ गलती नहीं है। अच्छा, भगवान के कृपा, विशेष कृपा हुई है कैसे पता चलेगा? जैसे कोई मिनिस्टर है, उसके पास गार्ड है, घर है, बिल्डिंग है, तो भगवान की कृपा ये वो तो सामान्य कृपा में है। जानना भगवत की विशेष कृपा है, बुद्धि में उनको अगर याद कर रहे हो, अगर जिस बुद्धि में तुम ध्यान कर रहे हो, तुम्हें मौका मिल रहा है, भगवान मुझे आपने सब कुछ दिया, अब मैं आपको याद कर रहा हूं। देखो इतना सुंदर है, जीवन में सब कुछ मिला, क्या वो मिला जिसके कारण जीवन मिला? समझ में? जीवन में सब कुछ मिला, घर, गाड़ी, घोड़ा, मगर क्या वो मिल गया जिसके कारण जीवन मिला? ये है भगवत विशेष कृपा। वी सीक गॉड्स ग्रेस टू कीप अस, क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ वर्च्यू, करेज एंड विजडम। मे thy grace एंड blessings फ्लो थ्रू अस टू the अराउंड अस। मैं स्वार्थी नहीं हूं, सिर्फ मुझे मिले नहीं है, मुझे भी मिले और दूसरे को मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखो ये है ऋषि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो, किसी को भी रोग ना हो, कोरोना किसी को भी ना हो, ये भारत के ऋषि कहता है, वो हम लोग ऋषि पुत्र कहते हैं, सब लोग सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणी, सब लोग अच्छा देखे, कोई बुरा ना देखे। मा कश्चित दुःखवान् भवेत्, कि कोई भी दुखी न हो, सब लोग सुखी हो, ये वाला है। मे दाई, दाई मने योर, THY दाई मने योर, आपके ग्रेस और आपके ब्लेसिंग्स, ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, कृपा एंड आशीर्वाद। कृपा जो है ना वो अकारण कारण है, और आशीर्वाद जो है ना वो हमारे ऊपर निर्भर है। प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन, इसलिए दो शब्द है। कृपा वो हम कह नहीं सकते, पता नहीं कब कृपा हो भगवान के ऊपर, और ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान देंगे और हम जितना प्रेयर, 100% प्रेयर 100% ब्लेसिंग, 50% प्रेयर 50% ब्लेसिंग्स। इसलिए कहते हैं मे दाई ग्रेस, दाई मैंने उनकी, आपकी, THY मैंने योर, आपके ग्रेस ब्लेसिंग्स फ्लो थ्रू अस टू द अराउंड, टू द वर्ल्ड अराउंड अस, अर्थात सबके लिए मिले मुझे। स्वामी विवेकानंद को पूछा गया, स्वामी विवेकानंद जो प्रवचन दे रहे थे ना, आई वॉन्ट 100 यूथ, तुम लोग जैसे यूथ चाहते थे, तो एक यूथ आया, क्यों आप यूथ यूथ को बुला रहे हो, हम अपने फुटबॉल खेलेंगे, मजा करेंगे। आप हिमालय में जो साधु संत है, गंगोत्री, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ में साधु संत है, उनको बुलाइए, उनसे आप काम लीजिए। पता है क्या कहा उन्होंने, वो जो ध्यान कर रहे हैं ना, वो अपने लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनके मन में ध्यान वही है, सर्वे भवन्तु, सर्वे संतो, सर्वे भद्राणि, मा कश्चित् दुःखवान्। वो संकल्प, वो उनका प्लेज है, इसी कारण उनकी प्रार्थना के कारण ये जगत टिका हुआ है। वो अगर वो भी आ जाएंगे डवाडल हो जाएगा, भगवान ही इसको स्थिर करके रखते हैं। मे thy grace एंड blessings फ्लो through us टू the अराउंड us। इसीलिए संत और भगवान में मैंने बताया था ना एग्जाम्पल,
संत के पास कैसे कृपा आ जाती है? संत भी एक लोहे का रड है, लोहा जैसा, और वो आग में रहने के कारण वो आग की जो शक्ति है वो लोहे में आ जाती है और उष्णता उसी से हम फिर गर्म प्राप्त करते हैं। जो लोहे का रड वो जानता है मेरे पास वो ताकत नहीं है, मैं आग के रहने के कारण मैं आज लाल हो गया हूं। फिर लास्ट में देखना, वी बिलीव दैट द सर्विस ऑफ आवर कंट्री इज द सर्विस ऑफ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। देखो गुरुदेव एक देशभक्त थे, उनके अपने जीवन में ही देश पराधीन था, तब वो कॉल किया था साधु संत के लिए, तभी उनका टर्निंग पॉइंट हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी भाग लिए थे, जेल भी गए थे, अंग्रेज सरकार ने उनको फेंक दिया था कि मरा हुआ कर गया। एक लेडी उनको उठा के ले, क्योंकि उनके बेटे मर गया था, वो बेटे के नाक गुरुदेव का नाक जैसा था, उसको पसंद आया, तुमने देखा ना अपने क्वेस्ट में फिल्म में। देश के लिए उनकी भक्ति प्यार थी, देश के लिए जो सोचता है ना वही भगवान का भक्त है। भगवान उनको 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उसमें से एक सैनिक मरा है राजस्थान के बॉर्डर में। अभी भी कहा जाता है जब जब कोई आक्रमण होता है वो अभी भी वहाँ है सूक्ष्म शरीर में, वो हमारे आज के सैनिक को मार्गदर्शन कराता है। एक वायरल हुआ था, तो वही भावना है कि उनके अंदर रोम रोम में देशभक्ति भरी है, शरीर नहीं है फिर भी सूक्ष्म शरीर में वो है, और वो चाहते हैं देश को रक्षा करने के लिए। क्या ब्यूटीफुल है ना, अर्थात शरीर में रहते दम तक तो किया और बाद में भी किया। वी बिलीव दैट द सर्विस ऑफ आवर कंट्री इज द सर्विस ऑफ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। देवों का भी देव कौन है? महादेव भगवान, बाकी सब देवता है, जो परम सुप्रीम लॉर्ड है। एंड डिवोशन टू द पीपल इज द डिवोशन टू द सुप्रीम सेल्फ। अगर हम एक तो देश की सेवा करें, दूसरे की भी सेवा करें। कोई बोला स्वामी जी मैंने उसको सेवा किया मगर मैंने उसको कुछ मांगा नहीं, मैंने उससे कुछ इच्छा नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया। चिंता मत करो, तुमने जो सेवा किया वो भगवान को सेवा किया। उसने धोखा दिया उसको कर्म मिलेगा। कभी कभी तुम ट्रेन में जाते हो, कोई व्यस्तता के कारण तुम रोटी सब्जी कुछ ले नहीं पाते हो, सोचते हो कि बाहर से खाऊंगा, और तुम बड़े शुद्ध शाकाहारी हो, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, तुम बैठे हो तो देखा कि एक पास में एक सेठ है, फैमिली है, तुम्हारा शुद्धता, तुम गीता पढ़ रहे हो, तुम जप कर रहे हो, तुम ध्यान कर रहे हो, तुमको अच्छा लगा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? ना मैं अमृतसर से कोर्स करने के लिए गया था, अब मैं दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहा हूँ, फिर मिशन से क्या रोटी मांगू सोचा, तो इसलिए आ गया कुछ खरीदूंगा। अरे बेटा हमारे पास परोठा है, खाओगे? उन नहीं जान पहचान है, तुम्हारे पास नहीं था और तुमको मिल गया। क्यों? तुमने कभी किसी को दिया था, जब तुमने कभी किसी को दिया था वो तुमको मिल रहा है। समझ में?
किसी को भी नहीं देंगे तो तुमको भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं डिवोशन टू द पीपल इज द डिवोशन टू द सुप्रीम सेल्फ। तुम अगर दूसरे को कुछ दिया है, डिवोशन किया, प्यार किया, वही भगवान के प्यार है। फिर क्या कहते हैं, वी नो आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, हम एक रेस्पॉन्सिबल सिविलाइज्ड पर्सन। सब लोग ना अथॉरिटी चाहते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं चाहता, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। जैसे मैंने कहा था ना, गुरु बनना सब चाहते हैं, शिष्य बनना नहीं कोई चाहता। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? गिव अस द एबिलिटी एंड करेज टू फुलफिल दैट। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? कि फर्स्ट है मेरा शरीर को मैं ठीक रखूं, ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं दूसरे की सेवा करूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं देश की सेवा करूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं भगवान की सेवा करूं, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए शक्ति चाहिए। गिव अस एबिलिटी एंड करेज टू फुलफिल। हमें शक्ति दो, अर्थात हम अच्छे बनने के लिए हमेशा शक्ति चाहिए। देखो, बुरा जो मनुष्य बनता है ना, तो जो शक्ति है उससे ही करा लेता है। और अच्छे बनने के लिए कंटिन्यूटी, सातत्य उसको चाहिए। कितना सुंदर है, तो लास्ट पढ़ लेते हैं। वी स्टैंड एज इन वन फैमिली बाउंड टू ईच अदर विद लव एंड रेस्पेक्ट। वी सर्व एज एन आर्मी करेजियस एंड डिसिप्लिन एवर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ऑल लो टेंडेंसीज एंड फॉल्स वैल्यूज विद इन एंड विदाउट अस। We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage and wisdom. May thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Purnamadah. Purnamidam.